शेख, हमारा सवाल ये है कि अगर जैसे हमारे कोई भाई हैं और उनका कोई स्टार्टअप है, ठीक है, उनकी सारी मेहनत है और पैसा मैं लगा रहा हूँ, जो अभी रिसेंटली आप बात कर रहे थे मुदारबा सिस्टम की, तो इसमें जस्ट अगर हमारा उनका एग्रीमेंट हो गया कि लाइक अगर प्रॉफिट होता है किसी इस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट होता है तो हम 20% मेरा रहेगा पैसे का जो प्रॉफिट होगा और बाकी उनका रहेगा, तो इसको कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, या अगर लॉस होता है तो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये सिस्टम थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। जी देखिए, इसके अंदर ऐसा मामला है कि एक होता है मुदारबा और एक होता है मुशारका। मुदारबा में कोई इन्वेस्टर का पैसा है और बिजनेस करने वाला जो मुदारिब होता है उसने कुछ पैसे नहीं लगाया, वो काम कर रहा है। एक होता है मुशारका, मुशारका पार्टनरशिप है जिसके अंदर उसने भी कुछ पैसे लगाया, इन्होंने भी कुछ पैसे लगाया, और उसकी मेहनत हो, इनकी मेहनत कम है, उनकी ज्यादा है, इनकी नहीं है, ये स्लीपिंग पार्टनर है, वो वर्किंग पार्टनर है। तो अब इसके अंदर किया जा सकता है, मॉडल बनाया जा सकता है। तो मुशारका का जो मॉडल है उसके अंदर ये चीज है कि आप पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट शेयर डिसाइड कर सकते हैं कि इसके अंदर इनका इतना प्रॉफिट है, वर्किंग पार्टनर है, ये स्लीपिंग पार्टनर है, इनका इतना शेयर होगा, जो भी उसके अंदर म्यूचुअली अग्रीड हो, तो प्रॉफिट लॉस दोनों में शेयरिंग होगी। ये भी हो सकता है कि वर्किंग पार्टनर को एक एडिशनल सैलरी दी जाए वर्किंग पार्टनर की सैलरी के तौर पर, यानी कि प्रॉफिट शेयर के अलावा वर्किंग पार्टनर की सैलरी के तौर पर एक सैलरी दी जाए। कैसे कोशिश की जाए, जैसे कि हम देखते हैं कि कुरान के अंदर जो अल्फाज है, गालिबन सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम या सुलेमान अलैहिस्सलाम, दोनों में से किन के अल्फाज है कि बहुत सारे जो पार्टनर्स है वो अपने पार्टनर के साथ यानी जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, शायद दाऊद अलैहिस्सलाम के अल्फाज है जो कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। तो जब उनसे वो सवाल पूछा गया था कि मेरे पार्टनर के पास 99 है मिंडियां या कुछ और मेरे पास एक है, वो मेरी एक भी लेना चाहता है, भाई के पास ऐसा कुछ था, और कमा खाल, मतलब आप देख लीजिए कुरान की आयत जो मौजूद है। तो अब हम ये देखते हैं कि पार्टनर्स में बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ चीटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग धोखाधड़ी करते हैं, और सबसे बड़ी चीटिंग ये करते हैं कि खर्चे वगैरह बढ़ा देते हैं, तो वो अपने पेट में किसी का हक अगर ले रहे हैं तो जहन्नम की आंख खा रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से सब लोग काम करें, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, जनरल बात बोल रहा हूँ, और ऊंट को बांधना चाहिए और भरोसा अल्लाह पे करना चाहिए। पार्टनर का दूसरा पार्टनर जो स्लीपिंग पार्टनर है, वो इतना भी स्लीपिंग ना रहे कि उसके अंदर कुछ चेकिंग ही नहीं करता है, कभी जाके स्टॉक चेक करे, कभी जाके कंप्यूटर चेक करे, कभी जाके सेल्स बिल्स चेक करे, कभी जाके अकाउंट्स को चेक करें, ताकि उसका भी एक वो रहे, से रहे, और उसका इतना इंटरफेरेंस तो अलाउड है, और फेयर बात टर्म्स लिख के तय की जाए, टर्म्स लिख के तय की जाए ताकि कल लॉन्ग टर्म तक बिजनेस किया जा सके। और एक दूसरे पे यानी आपको ये कहना है कि देखो मैं आके देखूंगा उसे, मतलब ये नहीं है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट भी होता है लेकिन साथ में प्रोसीजर भी एक होता है, एक प्रोसीजर के तौर पे कुछ चीज की जाए। जी फौज भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं, इसमें ऐड करना चाहते हैं? नहीं, इसमें देखिए सबसे बड़ा जो रोल है ना, मैं आप थोड़ा सा दुनियावी एंगल से अगर बात करूं मैं, तो पार्टनरशिप में सबसे बड़ा रोल ये है कि आप जब डीड आपकी बन रही है, यानी कि इस केस में भाई ने बताया कि स्टार्टअप है और ये इन्वेस्टर है, जाहिर है इन्वेस्टर पार्टनर की तरह ही हम लोग इनको मानेंगे, तो जब ये पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं तो उस वक्त ये अगर स्लीपिंग भी है या सिर्फ एक इन्वेस्टिंग पार्टनर भी है, तो उस वक्त इनको इनके राइट्स मालूम होने चाहिए। और राइट्स मालूम होने के लिए जरूरी नहीं कि आपको कोई लॉ मालूम हो, आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 मालूम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। नॉर्मली आपके और आपके पार्टनर के दरमियान क्या शर्तें तय हो रही हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो रही हैं, वो चीज़ आपके जहन में होनी जरूरी है। उस वक्त अगर आप चाहें तो उसमें कुछ रद्दबदल भी करा सकते हैं। आप अगर इन्वेस्टर हैं, आप स्लीपिंग पार्टनर हैं, तो आपके क्या राइट्स हैं, आप कब उसके क्वार्टरली रिव्यू कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट्स को, आपके पास क्या क्या राइट्स हैं चीज़ों को इंस्पेक्शन करने के लिए, वो सारी चीज़ें आप वहाँ मेंशन करेंगे। अगर आपके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से दोनों पार्टनर चलते हैं, तो आपकी पार्टनरशिप इंशाल्लाह सक्सेसफुल भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सी पार्टनरशिप है जो सक्सेसफुल होती है और आगे चल के बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज बनते हैं। हमेशा कोई नेगेटिव साइड को नहीं देखना चाहिए कि पार्टनरशिप हमेशा टूटती टूटती है, क्योंकि नॉर्मली मार्केट में ऐसी बात चलती है कि यार पार्टनरशिप कर ली थी और बुरा फंस गया और टूट गई, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप्स ऐसी भी है, मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जो पार्टनरशिप देयर लॉन्ग टर्म, यू नो लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप चलती है, लोगों की मिजाज मिलते हैं चलती है, क्योंकि वो चीज़ उस पर जो एक एक उनका जो चार्टर बना लेते हैं, वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं अपनी पार्टनरशिप का, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, उसको अवॉइड करते हैं। जो जो शर्तें आपकी एक बार तय हुई, वही आपका कानून बन गया, वही आपका मिसाक बन गया, उसी पे जब आप लोग अवॉइड करेंगे, उसी पे जब आप लोग रहेंगे, तो क्यों आपके अंदर कोई डिस्प्यूट होगा, और अगर होता भी है तो डिस्प्यूट को आप सुलझाएंगे कैसे, यू नो, तो वो चीज मेन जरूरी है आपके लिए। और इसके अंदर ये भी चीज पॉसिबल है, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक होता है डिमिनिशिंग शेयर पार्टनरशिप, कि जिसके अंदर एक पार्टनर का शेयर कम होता जाएगा प्रोग्रेसिवली, जैसे सामने वाला रीपे करते जाएगा उसका पार्टनरशिप शेयर खरीदता जाएगा, तो एक डिमिनिशिंग शेयर पार्टनरशिप का भी एक कंसेप्ट है, और ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी है, यानी कि की जा सकती है। ये सब चीज डिपेंड करती है जब आप पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हैं, डीड बनाते वक्त ये सारी चीजें आपको लिखनी जरूरी है कि आपको कौन सा मॉडल जो है पार्टनरशिप का अपनाना है। ठीक है, बिलाल भाई आपको जवाब मिला? जी, जजाकल्लाह खैर शेख। वही नेक्स्ट।